एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद सपन आफ्टर 3 मंथ्स। सो क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो कल ईद है और आप सबको जहाँ पर ईद पहले हो चुकी है उन सबको ईद मुबारक। और मैंने सोचा आज से ब्लॉग शूट करते हैं यहाँ पर, और कुछ वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट थी मैंने बनानी थी, तो मैंने सोचा यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी गाइस मैंने सफाई करनी है रूम की, चेक, क्योंकि कल ईद है और सफाई ज़रूरी है। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, अभी बाहर का माहौल आप सबको दिखाती हूँ। मौसम चेक करें जी, काफ़ी अच्छा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा दिन है काफ़ी अच्छा मौसम है और कपड़े भी धो रहे हैं हम साथ साथ, देखें कितने काम करते हैं। ये देखें गाइस कितनी प्यारी हमारी ये मनी प्लांट फैली हुई है माशाल्लाह। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, हाँ जी वो फज वाला देख रहे। सो आपने देखा, अभी मैं सफाई कर लूँ फिर बाकी का व्लॉग आप वेट करें। ठीक है, चूँकि अब मैं क्या करना है, स्टेप नंबर 2 मेरा ये है कि मैं अपने स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या करना है। सफाई देखें अच्छी की है ना, चेक करें इस कमरे में हो रही है। देखें अभी हम स्टोर रूम में जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे निकालनी है। अच्छा जी, सफाई करने के बाद मैंने सोचा कुछ स्किन केयर कर लेते हैं। तो स्किन केयर के लिए सबसे पहले मेरे पास है नो स्ट्रिप्स रिवाज यूके की, काफ़ी अच्छी स्ट्रिप्स हैं। सेकंड पर मेरे पास है डर्मा शाइन का फेशियल मास्क जो कि काफ़ी अच्छा है, वाइटनिंग मास्क है। देन उसके पास बाथ मार्क 30 का मेरे पास होम फ्रेशनर स्किन पॉलिश है और मुझे बहुत पसंद है। देन है ये मेरे पास हालिश मुल्तानी मिट्टी यानी कि असल जो होती है रियल वाली, देन रोज़ वाटर। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैं करूँगी, ज़ाहिर है फेस नहीं दिखा सकती लेकिन ये सारे स्टेप मुझे बहुत पसंद है जो मैं हर फंक्शन में लाजमी करती हूँ। जब भी कोई फंक्शन है तो ये सारे स्टेप मैं लाजमी करती हूँ, आप भी मस्ट ट्राई करना और मुझे इंस्टा पर टैग करना कि आप स्किन केयर क्या कर रहे हो। सैरीश हाय, सैरीश अच्छा अपनी ड्राइंग दिखाओ ना सबको। अभी सैरीश पेंटिंग कर रही थी तो सैरीश ने सही पेंटिंग दिखाए, ये मैंने बनाई है। अच्छा रुक, ये देखने तो दो सबको, वाह सेकेंड वाली ये वाली देखें जी सैरिश की पेंटिंग्स। इसको स्केच हम बना देते हैं, ये फिर सीधा रखो ना सबको दिखाओ। और ये भी मैंने, ये देखें जी सैरिश की पेंटिंग देखें। ईद की तैयारी कैसी है सैरिश? बहुत ही अच्छी है। कपड़े वगैरह दे दिए आपने? हाँ आपको बताऊंगी ना अभी नहीं, ईद पर दिखाने हैं। नहीं ना आपको अभी बताऊंगी। ये देखें जी सैरिश की पेंटिंग, ये तो बहुत ही बड़ी है, बड़ी है। सैरिश की पेंटिंग काफी अच्छी है ना सैरिश? गाइस आज आपको कपड़े, सैरिश मेहंदी लगाते हुए, सैरिश आए बोल दो। क्या नहीं कर सकती? ओके okay. मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, प्यारी है ना, आप सब कमेंट में मुझे बताना। ये गाइस इस बदतमीज ने मेरा ये देखो हाथ लगाए खराब ही हो गई है। तो सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, अब देखें धूप निकल आई है और मौसम बहुत अच्छा है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम चेक करें, छत पर जा रहे हैं चांद देखने, हम सब आप सबको दिखा दें। मेरे साथ सैरिश है और मेरी दूसरी बहन है, हाँ वैसे ही दिखा रही हूँ वीडियो में उर्दू ये देखिए जी चांद हमारा, वैसे तो आप लोग मुझे देखते रहते हैं लेकिन आज मैं असली वाला चांद दिखा रही हूँ। सैरिश चांद देखें, ये सैरिश है, नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही फिर भी आपको दिखा रही हूँ। सबको चांद रात मुबारक बोल दो। चांद रात सबको मुबारक। आहिस्ता पागल, ये देखें जी लाइटें कुछ कुछ जल रही हैं लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाथों पर मेहंदी लग गई और मेरे हाथ पर नहीं अभी लगी, ये देखें जी बहुत प्यारी माशाल्लाह। ये पीछे रखो, यहाँ पर भी लग रही है मेहंदी, ये देखें जी ये भी लग गई है लेकिन मेरे हाथ उसी तरह फीके हैं अभी फिलहाल, लगाती हूँ ये देखें प्यारी है ना, कमेंट में बताएं। हाथ पर मैंने मेहंदी लगा ली है, ये मैंने खुद ही लगाई है, इतनी बुरी लेकिन ठीक है। ये देखें टिक्की सी, एक हाथ पर लगवानी है, अभी खाना भी खाना है, फिर अम्मी खीर बनाएंगी, फिर चाट की तैयारी। वैसे आप लोग क्या करते हैं ईद पर, क्या बनाते हैं स्पेशल जो होता है? हमारे घर में खीर स्पेशल होती है प्लस चना चाट होती है बहुत मज़े की, और खाना होता है। कुछ फ्रेम्स लाई हुई थी और मैं डेकोरेट कर रही थी, ये देखिए अच्छी है। समेट रही हूँ पापा के लिए चाय बना रही हूँ, अभी ये पानी रखा है चाय बन कर खुद बहुत नहीं। मेहंदी कलर कितना पारा है ना, है ना, कमेंट में बताना आप सब। बस चाय बना के फिर आगे क्या करती हूँ वो बताती हूँ। इतने ज़्यादा बर्तन, कौन कौन चाय पीना चाहता है इस टाइम और कौन कौन चाय पीता है
मैं तो नहीं पीती, पापा पी रहे पीने जा रहे थे तो मैंने स्लोमो थोड़ा सा बना लिया। कैसा है वीडियो में ज़रूर बताना। मैं पापा को देने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। दी लगाइए, कलर कितना प्यारा आया है ना। और आप सोच रहे होंगे मेरी रिंग का है वो दूसरी उंगली में है, ठीक है, ये चेक करें। माशाल्लाह बोल दीजिएगा सारे, ठीक है। और गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है और अम्मी खीर के लिए चावल भिगो कर गई हुई हैं आयशा के घर, जो कि मेरी बहन है, ओके। और ये सारी चीज़ें मुझे अभी समेटनी होगी और व्लॉग को एंड करते हैं। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। यहाँ पर आईडी मेंशन है, जाकर जल्दी से फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय एंड ईद मुबारक।